एक बिगनर यूट्यूबर के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? कुछ नहीं चाहिए यार, बस एक मोबाइल चाहिए एक बिगनर यूट्यूबर के लिए, यानी जो यूट्यूब पे आने की कोशिश कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक फ़ोन चाहिए, फ़ोन अच्छा सा फ़ोन, स्मार्टफोन। लेकिन जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्मार्टफोन तो है लेकिन अच्छा फ़ोन नहीं है। 2016 का J76 है ये मॉडल का नाम, मोबाइल का नाम सैमसंग गैलेक्सी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि एक दिन मोबाइल से स्टार्ट किया तो सबसे महंगा वाला फ़ोन लेकर रहूँगा। तो सबसे महंगा वाला फ़ोन ये रहा कि अभी 2023 का सबसे महंगा वाला फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra 5G। तो ये लेने का टारगेट है, देखते हैं कब तक पूरा होगा। चल भाई ड्यूटी में है, धमाकेल 2 जा रहा हूँ, एक दो नोट लेके बस। एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था, उन्होंने बताया इसमें कि आजकल सब बोलते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो बनाओ और पैसे कमाओ, ऐसे मतलब सवाल किया था। उनका नाम है राहुल सिंह जी, पता नहीं कहाँ से है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने ये थोड़ा सा अटैचमेंट कर दिया हूँ, इसमें ब्लॉग डाल दिया हूँ थोड़ा सा। देखो भाई, यूट्यूब में पैसा मिलता है लेकिन उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, वैसे ही नहीं पैसा अर्निंग होता है। अगर अर्निंग की बात करें तो फिर अभी आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट में मैं साइड में रख दूंगा कि मैं कितना कमाता हूँ यूट्यूब से। बहुत कम भाई यार, चॉकलेट खरीदने के लिए भी पैसा होता नहीं है बच्चे के लिए। तो फिर यूट्यूब में अगर आने का सोच रहे हो तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। और यूट्यूब में पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जितना बिजनेसमैन नहीं कमा पाता है उतना यूट्यूबर लोग कमा लेता है। फेसबुक का एक ही है, प्लेटफार्म तो एक ही है ना, ऑनलाइन इनकम बोलते हैं। तो ऑनलाइन इनकम में बहुत सारा पैसा है। अगर आपके पास नॉलेज है, कुछ टैलेंट है, तो आप आ सकते हो इसमें, आइए और वीडियो बनाइए और सही से नॉलेज दीजिए, तो फिर पैसा कमा लोगे आप बहुत। और ख़ास करके आप फोकस करें सबसे पहले तो पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाओगे तो फिर ऑटोमेटिक आपके पास हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में घुसने के लिए का साधारण सा फ़ोन से भी नहीं होता है, सही जगह पे बैठ के वीडियो बनाना होता है। जैसे कि मैं 2012 से मैं यूट्यूब करियर में घुसा, लेकिन सक्सेस कब हुआ, 2019-20 में समथिंग है, इसी टाइम पे मैं सक्सेस हुआ, क्योंकि मैं गांव पे बैठ के ब्लॉग बनाता था, कुछ अर्निंग संबंधी वीडियो बनाता था। खैर अभी वो वीडियो सारा मैं प्राइवेट में रखा हूँ, और कहीं कहीं वीडियो तो मैंने डिलीट भी करके रखा हूँ। तो शर्म आता था मुझे ब्लॉग बनाना, लेकिन अभी मुझे शर्म नहीं आता। अभी मैं कहीं भी चलते राह पे बैठ के चलते चलते ऐसे ही ब्लॉग बना दे। तो अभी मैं एक रेगिस्तान पे बैठा हूँ, रेगिस्तान में, लेकिन ये देखो रेगिस्तान में एक ये हरियाली बना के बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे जगह पे मैं छोटा छोटा क्लिप्स कर करके मैं वीडियो बना लेता हूँ अपने टाइम के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है, कमाई हो जाता है। और सबसे पहले मैं वीडियो कमाई के लिए बनाता नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ कि जानकारी के लिए, ताकि मेरे वीडियो से लोगों को कुछ जानकारी मिले। क्योंकि मैं रहता हूँ आउट ऑफ कंट्री में रहता, तो किस हिसाब से रहते हैं और कैसे खर्चा होता है और कैसे जॉब मिलता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल लाइफ डेली व्लॉग ही बनाता हूँ, तो इसमें थोड़ा कम अर्निंग होता है। हाँ अर्निंग होता है अगर आरपीएम के हिसाब में देखा जाए तो, अभी मैं दुबई में जहाँ पे हूँ, दुबई में आरपीएम के हिसाब पे देखा जाए तो अच्छा खासा इनकम भी होता है। कभी कभार मेरे ब्लॉग में मेरे वीडियो में आरपीएम $5 का भी दिखा देता है, और कभी $1 का दिखा देता है, और कभी $2 का। लेकिन यही नॉर्मली एवरेज में यही चल रहा है कि 1K व्यूज़ में, यानी उसमें जिस कंट्री में बैठा हूँ और जिस कैटेगरी का मेरा वीडियो बनता है, तो उसमें 1K वीडियो में मेरा $2 से ऊपर होता है आरपीएम। और ऐसा कोई गैर वीडियो होता है कि $1.50 का आरपीएम होता है, लेकिन अच्छा आरपीएम मिलता है, लेकिन आरपीएम तो मिलता है लेकिन व्यूज़ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैं अपना पर्सनल डेली ब्लॉग हो, पहले ऑर्डर ले लूँ। और मेरे वीडियो में ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइक फील्ड के होता है, बाइक फील्ड के बारे में जो जितना मैं वीडियो बनाया था अच्छा खासा व्यू आ रहा था, लेकिन बंदे लोग अभी यहाँ पे आके बैठ चुका है, और रास्ते पे कभी कभार मिल जाता है, बोलते कि आप ब्लैक डी GMD हो ना, मैं बोल रहा हाँ मैं ही हूँ, तो बोल रहा है कि आजकल आपके व्यूज कम आ रहे हैं, मैं सीधा बोल रहा कि व्यूज भी कम आ रहे हैं क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। बोल रहे हाँ वो तो बात है, जो इस फील्ड में आ जाते हैं बाइक डिलीवरी फील्ड में जो आ जाता है और कोई काम में लग जाता है, तो यहाँ पर वीडियो देखता नहीं किसी का। अगर आप दूसरे कैटेगरी में ब्लॉग बनाओगे, जैसे कि आप विजिट करना, ट्रैवलिंग करना, इसमें अच्छा खासा व्यूज़ आ सकता है, क्योंकि लोगों को आप पसंद हो। और मैं कब तक पसंद हो, जब तक बंदा अपने कंट्री में है और इसके बाद यहाँ पहुँच जाने के बाद मैं ना पसंद हो, इसकी वजह से मेरा व्यूज़ कम आता है। और जो बंदा अपने कंट्री में, जो मेरे पहले से जो वीडियो देखते आ रहे हैं अपने कंट्री में है, उसके बाद यहाँ पे आके 5-6 महीने तक बैठे रहते हैं रूम पे, तब तक मेरा वीडियो देखता है, और उसके बाद फिर लाइसेंस निकालना, फिर जॉब में लग जाना, तो फिर मेरा वीडियोज़ नहीं देखते। और जो देखते हैं रोड में मिल जाते हैं कभी कभार, तो वही लोग देखते हैं। लेकिन फेसबुक पेज में, अगर फेसबुक पेज में आप यही वीडियो डालोगे तो अच्छा खासा व्यू आता है, बंदा कोई देखो या ना देखो, क्योंकि फेसबुक हर कोई बंदा चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते। अगर फेसबुक मोनेटाइज हो गया तो आप भी कमा सकते हो,
क्या नाम है, राहुल सिंह जी भाई। तो ठीक है, फिर अर्निंग के संबंध में अगर आप जाओगे बड़ा सा लगाने लगाने की कोशिश करोगे तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। मेरे जैसे 2016 का मोबाइल से मैं चला रहा हूँ अभी, मैं मुझे अभी मुझे लगता है कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ यूट्यूब में और फेसबुक में। अगर मेरा नौकरी चला भी जाए ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे आइडिया हो गया है कि पैसे कैसे कमाना है और इन्वेस्ट कहाँ करना है। क्योंकि ये यूट्यूब में, फेसबुक पेज में जितने भी ये दूसरे के वीडियो कॉपी करके पेस्ट करना, ये फ्यूचर के सही तक नहीं होता है, हद तक नहीं होता है। तो अपने अपने ओरिजिनल कंटेंट्स आप अपलोड करोगे तो अच्छा खासा इनकम कर लोगे, अच्छा खासा आप जनरेट कर लोगे, बहुत पैसा है। और मेरा टारगेट यही है कि अगर मैं $20 पर डे इनकम कर लूँ ना तो मैं दुबई छोड़ दूँगा। याद रखना भाई, कसम से मैं दुबई छोड़ दूँगा और फुल टाइम ऑनलाइन इनकम पर लगूँगा। भाई दुनिया बहुत बड़ा है यार, बड़ा दुनिया है, कमाने के तरीके अलग अलग है, लेकिन आपके पास वो सामान होना चाहिए। जैसे कि महंगा फ़ोन और ड्रोन, महंगा सा पावरफुल लैपटॉप एडिटिंग करने के लिए, और काफ़ी सारे गियर्स होता है यार एक यूट्यूबर के लिए, एक ब्लॉगर के लिए। तो आप वो सब करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक एम बनाना होगा, टारगेट बनाना होगा, भाई पैसा कमाना होगा। पैसा कमाने के लिए आपको घर में बैठ के आप नहीं कुछ कर पाओगे, तो उसके लिए आपको दुबई आना होगा, सऊदी जाना होगा, कतार जाना होगा, मलेशिया जाना होगा, आप कहीं भी जाओ पैसा कमाना होगा, लेकिन घर से आपको बाहर निकलना होगा। और थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे कर लोगे, और ये तो सोना है, आप इन्वेस्ट करोगे ना, सोना है, सोना। एक बोलते हैं ना, कहावत होता है ना, सोने के अंडे देते मुर्गियाँ, तो ये समझ लो कि यही है ये ऑनलाइन फील्ड। जब तक आप हो इसमें, जब तक आप कर पाओगे तब तक पैसा है, उसके बाद कुछ पता नहीं भाई किसको क्या लेकर जाना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ऑर्डर आ गया है मुझे, ये मुझे लेकर सेल स्क्वायर का ऑर्डर है यार, दिखा दो फिर आपको सेल स्क्वायर का। मैं ऐसे ही छोटा छोटा क्लिप करके मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जब मुझे टाइम मिल जाए, लेकिन अभी बहुत 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 रेगिस्तान भी हो यार, रेगिस्तान बैठे देखो मेरा पिछवाड़ा गिल्ला हो गया यार, अभी पानी दिया था माली भाई ने। तो ऐसे जगह पर मैं अपने बाइक रखा हूँ ना, क्या पता कहीं फाइन ना लगा दे यार। चलो रखता हूँ।